हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं अपने गार्डन में आई हूँ और इस समय देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। ये यहाँ पर सनफ्लावर खिले हुए हैं, इधर ये हिबिस्कस देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। चारों तरफ जब हमें अपने हरियाली दिखाई देती है और फूल ही फूल नज़र आते हैं दोस्तों, तो कितना अच्छा लगता है। देखिए बोगनविला भी कितना अच्छा खिल रहा है, और ये देखिए कितना सुंदर हिबिस्कस। इधर ये अपराजिता खिले हुए हैं दोस्तों, ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं अपराजिता के। अपराजिता पे इतने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों। ये मेरा ब्लू कलर की अपराजिता की बेल है, और ये देखिए आप कितने ज्यादा फ्लावर आ रहे हैं। और ये बेल मेरी जो है व्हाइट कलर की अपराजिता की है, और ये इसका अभी फूल खिला नहीं है, ये खिल जाएंगे। रोज सुबह में खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। और ये देखिए इसमें भी खूब सारी कलियां आई हुई हैं। देखिए दोस्तों, इसको मैंने सीड से लगाया था। और ये जो मेरी ब्लू कलर की अपराजिता है, ये मेरी पुरानी बेल है दोस्तों। इसको मैंने प्रूनिंग करके और दोबारा से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। 1 साल पुरानी बेल है मेरी अपराजिता की। और ये देखिए हिबिस्कस कितने सुंदर खिलते हुए दोस्तों। इस समय जहाँ समर फ्लावरिंग की धूल, पूरे गार्डन में इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, उसी जगह पे अब हमें क्या करना है, कुछ गार्डन के ऐसे काम करने हैं जो बहुत ज़रूरी है, ताकि विंटर में भी हमारा गार्डन फूलों से भरा रहे। तो आज मैं क्या काम करने वाली हूँ वही आपसे दिखाऊंगी, लेकिन पहले उससे पहले मैं ये थोड़े से फूल दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे, और साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज़ है इन फूलों का। ये देखिए इधर ये वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये भी एक समर वाला फ्लावर है, इसमें येलो कलर के फूल आते हैं। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो। ये राजस्थान से मैं लेके आई थी इसका बीज, और ये अब थोड़े दिनों में ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारे जो समर वाले फ्लावर हैं, प्लांट हैं, वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। कुछ को तो हम बचा सकते हैं, कुछ को नहीं बचा सकते हैं। तो अगर प्लांट हमारा ना भी बच पाए, तो हमें सबसे ज़रूरी क्या काम करना चाहिए कि इस समय इनके सीड कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कैलेंडुला है, ये मेरा डॉग फ्लावर है। डॉग फ्लावर मेरे पास बहुत सारे कलर थे, लेकिन इस तरह से हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, प्लांट तेज़ धूप की वजह से अगर हमारे पास ज़्यादा शेडी एरिया नहीं है तो प्लांट ख़राब होने लगता है। तो इस समय क्या होता है कि इनमें सीड बन जाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये सीड बन रहा है, ये सीड बन रहे हैं। तो इनको कलेक्ट करने का बिल्कुल सही समय है दोस्तों, हमें अब ये जो है सीड इनके कलेक्ट कर लेने चाहिए। ये देखिए मैंने ये तोड़ा है, और ये है, इस तरह से हमें इनके सीड निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सीड होंगे तो हम अगली बार इन सभी प्लांटों को ग्रो सीड से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो हम नर्सरी से खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों नर्सरी से इतने महंगे महंगे प्लांट खरीदते हैं हम, और कितने 2-4 प्लांट खरीदते हैं। जब हमारे पास सीड होते हैं तो हम सीड से ग्रो कर लेते हैं। ये देखिए इसके मैं अभी सीड निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये है, इसके अंदर से ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड निकलेंगे। इसको इस तरह से हम तोड़ेंगे तो ये देखिए, ये देखिए बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं इसके अंदर से निकलते हैं। देखिए ये हैं इसके सीड, और एक सीड पॉट इकट्ठा कर तोड़ने से मुझे कितने सारे सीड मिल गए हैं। इसी तरह मैंने इसमें इकट्ठे किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये इतने सारे सीड पॉट हैं, और इसमें कई कलर के हैं। और ये देखिए आप कितने सारे सीड हैं इसके अंदर। तो ये बिल्कुल सही समय है दोस्तों, जितने भी हमारे विंटर फ्लावर वाले सीड हैं, सीड पॉट हैं, वो इसी तरह से खुल जाते हैं अपने आप जब वो पक जाते हैं, और वो सारे सीड जो हमारे गार्डन में इधर उधर बिखर जाएंगे। तो अच्छा है कि हम उन्हें इकट्ठा कर लें। तो चलिए, हमने डॉग फ्लावर के कर लिए हैं, बाकी और करते हैं। देखिए दोस्तों, अगले नंबर पे ये है ग्लाडिया। ये इस तरह से फूल खिलने के बाद ये सीड पॉट बनने लगते हैं। ये मैंने कट कर दिया, और ये देखिए ये इसका पका हुआ सीड है। और ये देखिए इसमें प्लॉट इसमें गिर जाते हैं, प्लांट में पॉट में जगह जगह बिखरते हैं, उससे पहले हमें कट कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने इनको भी कट कर लिया है। इस तरह से हम इनके पके हुए सीड जो सीड पॉट हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ये सीड पॉट है, ये देखिए इसके सारे सीड उड़ चुके हैं। तो ये मैंने पके हुए इकट्ठे कर लिए हैं, आप लोग भी इकट्ठे कीजिए। इस तरह से सीड पॉट बनते हैं, और पकने के बाद वो एकदम से उड़ने लगते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है बेबी चाइना डॉल और इसमें इस तरह से ये फ्लावर आते हैं, तो बहुत अच्छा प्लांट लगता है ये। ये देखिए अब ये फ्लावर सूख गए हैं और इसके भी सीड पॉट बनने लगे हैं। इसमें ये फली जैसी बनती है, देखिए ये फली बन गई है। ये देखिए कितनी सारी ये सीड पॉट बन गए हैं हमारे। ये देखिए ये इस तरह से ग्रीन है, लेकिन ग्रीन नहीं तोड़ने हैं दोस्तों। किस तरह से तोड़ने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका बिल्कुल पका हुआ सीड पॉट, ये देखिए। और जब वो पक जाता है तो इस तरह से खुल जाता है। अब मैं इसको तोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जरा सी हवा से ये उड़ने लगते हैं। ये देखिए, ये है इसकी सीड पॉट। इस तरह से हवा हवा के साथ ही पूरे उड़ जाते हैं दोस्तों। तो इनको भी हमें इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि उड़ने के बाद ये इधर उधर सब गायब हो जाएंगे, फिर हमें नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए इसको हमने इकट्ठा कर लिया। देखिए दोस्तों, ये इतने हल्के होते हैं, जरा सी हवा से ही ये उड़ जाते हैं। इनको इकट्ठा करके रख लीजिए, जब इनका सीजन आएगा तब हम इनको ग्रो कर देंगे। अगले नंबर पे दोस्तों ये है 4 o'clock। इसमें भी बहुत काले काले सीड बन रहे हैं। ये देखिए, ये इसके सीड बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये फूल खिल जाता है उसके बाद ये सीड बनने लगते हैं, और खिलने के बाद इसमें ब्लैक कलर के सीड पॉट बनते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये है। देखिए दोस्तों, ये है इसके सीड 4 o'clock के। देखिए दोस्तों, ये है मेरा लैंटाना का प्लांट। मैंने आपको दिखाया था कितने सारे इससे मुझे फूल मिले थे, और इसमें इस तरह के ये सीड बनने लगते हैं। ये देखिए, इसका सीड बिल्कुल पक चुका है। हम इसको भी निकाल लेंगे ताकि हम एक नया प्लांट इससे तैयार कर सकें। ये देखिए इस तरह से ब्लैक ब्लैक के इसका सीड है। इसको भी कलेक्ट करने का बिल्कुल सही समय है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से मैंने ये गजानिया के सीड कलेक्ट कर लिए हैं, और ये देखिए कितने सारे हमने सीड कलेक्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों, जितने भी विंटर वाले हमारे प्लांट्स हैं, उनके सबके सीड कलेक्ट करने का बिल्कुल सही समय है। तो आप लोग भी इसी तरह से सीड कलेक्ट कीजिए, और अपने विंटर गार्डन के लिए नए नए पौधे हम तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।